अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आप सब लोगों को ज़बरदस्त पिराक प्लेस में लेके जाना है, वो है अल जदा पार्क शारजाह में। ऐसा दिखता है दुबई का डाउनटाउन याद आना, देखो मगर ये दुबई नहीं होता, शारजाह का डाउनटाउन है। हमारे मेराज भाई बोले थे अल जदा पार्क ज़बरदस्त है, बोले मैं बोला आए अभी तो जाना चाहिए, मैं बोला ओके बोल के बेग साहब को बोल दिया। बेग साहब भी जोश में थे, चलो बोल के निकल गए थे हम लोग। आंधी वे में है अभी अल जदा पार्क में, ज़बरदस्त ग्रीनरी तो यहाँ पे दिख रही, तो पूरे झाड़ा। अभी आंधी वे अभी एंटर हो रहे हैं, अभी पहुँच गए समझो, रास्ते में है गाड़ी पार्क करना। देखो ऊपर से यहाँ पे पार्किंग भी फ्री है। दोस्तों ये अल जदा पार्क एंट्री फ्री है और कार पार्किंग भी फ्री है। 800 कार भी यहाँ पर एट ए टाइम पार्क कर सकते हैं, बहुत स्पेस है। और पार्क तो मेनली क्या है, छोटे बच्चों के लिए। दोस्तों यहाँ पर मेनली स्केट पार्क है, बाउंस पार्क है। जो जो लोग अभी तक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ विजिट नहीं करें, ज़रूर विजिट कीजिए अल जदा पार्क, ज़बरदस्त प्लेस है यहाँ पर। और क्या बोलते हो, फैमिली फ्रेंडली एरिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड ट्रक्स भी है, अभी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से। दोस्तों ये पार्क वीक डेज में 10 to 10 है और वीकेंड में 10 to 12 AM तक है। दोस्तों ये अराडा डेवलपर का प्रोजेक्ट है, देखेंगे क्या क्या प्लेसेस है यहाँ पर बच्चों खेलने के लिए। आप देख सकते हैं पब्लिक इधर जा रही है, पूरा किधर जा रही नहीं मालूम, चार रास्ते भाग रहे। छोटे बच्चे इधर जा रहे हैं, इधर अंकल जा रहे हैं बैट पकड़ लेके, इधर आंटी आ रहे हैं बच्चे को सो गया। हम राइट लेंगे, अभी जाके देखें क्या क्या है इधर, क्या क्या तो है, क्या इधर दिख रहा, प्ले ग्राउंड तो बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। यस अब प्ले ग्राउंड अभी पहुँच गए हैं इधर बच्चों को खेलने के। ये गोरा स्केटिंग कर रहा था, मैं रुक गया था इसके वीडियो निकालने, अपन तो करे इतनी बचपन में। अब देखो गोरा भी देखो बुढ़ा भी हो गया, हम ज़बरदस्त करता देख रहा। ओफो निकल गया, देखो गाड़ी ले लेके इसकी, अब ज़बरदस्त जंप मारता गिर जाता भी, क्या कर सकते, मारा लगता रहते हैं, वो लोग छोड़ते नहीं, वो लोग बुरे लेके भाग रहा था। और दोस्तों यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कंपटीशन भी होते रहते। अब देख सकते हैं जो अतराफ बैठे ना, वो 500 बंदे देख भी सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है, बहुत बड़ा है स्केटिंग। दोस्तों ये पार्क में सिक्योरिटी गार्ड में ऑब्जर्वेशन करते फिरते रहता, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे उधर से भागते रहते, और जो प्ले ग्राउंड एरिया में बच्चे वो लोग खेले सकते, बड़े जाके बैठ के आप समझो सर उठ जाइए आपका नहीं होता है, बच्चों खेलने का है बोल देते वो लोग। इससे अच्छा अपन खाली बच्चों के साथ भी हम भी खेलना नहीं है, अब ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों को करना रहता, बच्चा क्या कर रहा बोल के। दोस्तों यहाँ पर बच्चे मस्त एंजॉय करे स्प्लैश पैड में, अंकल भी मस्त बच्चों से खेल लेते बैठे वहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फूड्स भी अवेलेबल थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे शॉप्स ला के स्टॉल्स ला के है वो लोग। आप सब लोगों को डाउट आता हो ये क्या, ये पार्क में वेजिटेबल कैको लगाए बोल के, वेजिटेबल कैको लगाए बोलते हो, ये सस्टेनेबल सिटी है।
ये अलजदा पार्क 90,000 स्क्वायर फीट का पार्क है। चलते चलते पाँव दर्द रहे मगर पार्क तो ख़त्म होना नाम ही नहीं ले रहा। ये प्ले एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विंग्स और किराक झूले भी हैं यहाँ पर छोटे बच्चे उछलने के, और स्लाइडर भी है स्लाइडिंग करने के बच्चों के। नमाज का टाइम हो रहा था, बहुत जगह प्लेसेस में क्या है मस्जिद ने तो प्रे रूम रहता, अब इस जाके सिक्योरिटी पूछेंगे प्रे रूम किधर है बोल के। हाँ अभी सिक्योरिटी इधर खड़ा है इधर, ओके पूछ लिया उसको। अभी वो बोल रहा है कि इधर ये सेल्स ऑफिस है उसकी अपोजिट साइड में प्रे रूम है बोल रहा था, उधर सामने दिख रहा ना वो एरिया। Let's go for that site. अभी मौसम ठंडा हो गया, बच्चे को निकल रहे हैं, अभी फैमिली सारी यहाँ से वो एंट्रेंस है, बच्चा मस्त से खेलते बैठे बेटी से शटल खेलते बैठे।
ये स्केट पार्क है। बच्चे मस्त एंजॉय करते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं, स्केटिंग करते हैं, मस्त एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा स्केट पार्क भी बना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा जबरदस्त आखिरी स्केटिंग करते हैं, मस्त जा रहा था, ऐसा दिख रहा मेरे को भी करना थे, बोल रहा मैं क्या कर सकते हैं। आप उन बचपन में सीखे नहीं, आपका आपके बच्चों को तो सिखाना। यहाँ पर 6 स्केट पार्क्स है, डिफरेंट डिफरेंट बना के है प्लेसेस में। यहाँ पर 2022 में स्केटबोर्डिंग का कंपटीशन भी हुआ था। जाहा हदीद आर्किटेक्ट ये प्रोजेक्ट को डिजाइन करें। छोटे बच्चों को देखते हो तो ऐसा दिख रहा है मैं भी जाके खेल लूँ क्या, मुझे समझ में आ रहा, मगर क्या कर सकते नहीं कर सकते मेरी उम्र में। ऊपर से देखो 6 साल की बच्ची है, मस्त एंजॉय कर लेते बेटी, मगर आपके बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए स्केटिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहना चाहिए स्पोर्ट्स के भी। किराक जमकर रिपब्लिक, इधर से इधर जमकर रहा हूँ, देखो ऊपर जा रहा, ऊपर जाके रेड टी शर्ट वाला उधर चले गया, उधर चले आ गए, फिर ये क्या कर रहा है, ओफो फिर रिवर्स में आ गया, फिर से जम कर रहा, उधर से कर रहा, इधर से कर रहा, क्या कर रहा है, और किराक कर दे रिपब्लिक यहाँ पर। दोस्तों ये पार्क फैमिली फ्रेंडली रहने से बहुत सारे पब्लिक आकर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। जो जो लोग शारजा में है अभी तक ये पार्क को विजिट नहीं करे, प्लीज़ मेरे सजेशन है कि ज़रूर जाइए, जाके विजिट कीजिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, मस्त एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। बच्चे उन लोगों को देख के खुश हो सकते हैं, हम लोग स्केटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे मस्त घूम लेते फिर लेते नाच लेते बैठे यहाँ पर। दोस्तों ये था हमारा अलजदा शारजा पार्क का सफर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।